अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंबर्स ऑल इन वन चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने साथ वंस अगेन। आज हम जा रहे हैं घूमने फिरने नहीं, एक्चुअली आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने साथ एक अदद स्मॉल सा विज़िट जो मैंने ख़ुद किया था। आई थॉट के चलें आपको भी करवा देते हैं। वो पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी है ये वीडियो। और वो पाकिस्तानी जो यहाँ पर मौजूद हैं लाइक लाहौरी स्पेशली, उनके लिए भी है। अगर आप अपने घर की तलाश में हैं, अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं या बनाने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए ये एक अच्छी लोकेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है जनाब सोसाइटी और इसका नेम है पार्क व्यू। ये मुल्तान रोड के ऊपर वाक़िया है और बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई है, मतलब पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं ख़ुद भी एक जहाँ हम रहते हैं मतलब वो एक सोसाइटी ही है, एंड इसलिए मैं मुझे अच्छे से पता है कि जो सोसाइटीज़ होती हैं उनके कितने बेनिफिट्स होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। लाइक अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली क्लीन, नीट एंड क्लीन, रोड्स बहुत अच्छे हैं, कारपेटेड वाइड हैं। और सबसे अच्छी बात जो सोसाइटीज़ की होती है वो ये होता है कि यहाँ पे लोग होते हैं, मीन जो सोसाइटीज़ की मैनेजमेंट होती है वो इनको साफ़ रखते हैं। आप ग्रीनरीज देखें, सबसे अच्छी बात जो है ना वो ये है कि आपको साफ़ हवा मिलती है, आपको मीन ग्रीनरीज वगैरह बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो वैसे ही मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे ये खुद मैंने सुना था कि बहुत अच्छी है, तो आई वॉज थिंकिंग कि जाना चाहिए, देखना चाहिए, तो इसलिए मैंने वीडियो भी शूट कर लिया। आई थॉट के चले मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखा देती हूँ। वो लोग जो एक नॉर्मल रेंज में देख रहे हैं एक अच्छी जगह पे, अच्छा घर या एक अच्छी ज़मीन, तो आई गेस ये जगह उनके लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वगैरह भी ओपनली नज़र नहीं आएंगे, बिकॉज़ यहाँ पर मैंने आगे शूट भी किया है। बॉक्सेस वगैरह मीन जो रेजिडेंशियल एरिया है, काफ़ी बड़ी सोसाइटी है ये, काफ़ी अच्छी है, घर बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं। और ये आप बॉक्सेस आपको शायद नज़र आ रहे हैं, वो जो बॉक्सेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बॉक्सेस हैं, मीटर्स वगैरह जिनको ये देखें ये नज़र भी आ रहे हैं। और मैंने आगे एक जगह पे इसको क्लिक भी किया दिखाने के लिए, तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है। बट एक बैकड्रॉप भी है इसका, वो ये कि इसमें आपको 5 मरला एंड 10 मरला एंड 1 कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो मिलते हैं आपको। इसमें मीन जो 3 मरलाज होते हैं, 7 मरलाज होते हैं, 15 मरलाज होते हैं, वो नहीं मिलते हैं। तो सिर्फ एक इसका ये बैकड्रॉ है, और अदरवाइज़ ये वैसे ओवरऑल बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी है, ग्रीन, गो ग्रीन सोसाइटी है। और स्कूल भी है इसके अंदर ही, नेशनल स्कूल है, इवन कॉलेज भी है, वो नेशनल स्कूल एंड कॉलेज, उसकी भी मैंने वीडियो शूट किया। तो अब मज़ीद ये है कि अब आप आराम से इसको देखें मेरे साथ साथ।
ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है वो जो मैंने अभी आपको बताया नेशनल स्कूल एंड नेशनल कॉलेज। ये एक्चुअली साइड का जो मिरर था ग्लास था ये नीचे हो ही नहीं रहा था और इसमें से क्लियर व्यू आ नहीं रहा था, ब्लर हो रहा था। एक्चुअली सनलाइट इस साइड की थी तो आई ट्राइड कि मैं बैक साइड से आपको दिखाने की कोशिश करूँ। तो काफ़ी बड़ा स्कूल है, बेसबॉल ग्राउंड भी है इसमें एंड वॉलीबॉल ग्राउंड भी है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, मुझे बहुत पसंद आया। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपने बच्चों के हवाले से कि लाइक वो बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते स्कूलिंग के लिए, उनकी कोशिश होती है कि घर के पास हो। तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है कि लाइक आपकी अपनी सोसाइटी के अंदर आपको एक अच्छा स्कूल मिल जाता है, इवन कॉलेज भी मिल जाता है। एज़ यू कैन सी इसके राउंड अबाउट्स भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं। एंड जहाँ पे एंट्रेंस है सोसाइटी की वहाँ पर साइड पे प्लेलैंड तो खैर काफ़ी सारे ही हैं, यहाँ पे मैंने पार्क्स काफ़ी सारे देखे हैं, बट जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ना वो यहाँ पे अंदर एक केज है एंड उसमें उन्होंने एक एरिया बनाया हुआ है, उसके अंदर डियर्स रखे हुए हैं, बहुत खूबसूरत वो लगते हैं। वो आगे मैंने शूट किया हुआ है वो आप देखेंगे। मार्केट वगैरह का भी ये है कि हर ब्लॉक की अपनी मार्केट है एंड काफ़ी बड़ी मार्केट है, छोटी मार्केट्स नहीं है, काफ़ी अच्छी हैं। ऑलमोस्ट आपको सारा कुछ ही अंदर मिल जाता है, आपको आपको कभी भी किसी भी टाइम किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप अंदर से आपको अवेलेबल होती है, आपको सोसाइटी से बाहर जाने की ज़रूरत आई डोंट थिंक सो के पड़ती है। और ये देखिए ये है वो प्ले एरिया जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, इसी टाइप के प्ले एरियाज़ पूरी ही सोसाइटी में हैं, पार्क्स वगैरह हैं, काफ़ी सारे पार्क्स हैं। और ये है वो पोर्शन जहाँ पे वो डियर्स का मैं आपको बता रही थी और ये इसकी मेन एग्ज़िट है। ये बस अब हम लोग यहाँ से एग्ज़िट होने लगे हैं और साथ ही मैं वीडियो एंड भी करने लगी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हमेशा शामिल हैं। एंड फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।